Hi everyone, I am Shubham Rana and you are watching Bee Ready. इस वीडियो में मैं आपको बीज से मिलने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा। आप सभी को हनी यानी शहद के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन क्या आपको बीज से मिलने वाले बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में पता है? जैसे बी वैक्स, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, वेनम, पॉलन। तो गाइस शुरू करते हैं हनी से। हनी, एज यू ऑल नो कि हनी हमें हनी बीज द्वारा डिफरेंट फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करने से मिलता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हनी के डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं जो कि इन्फ्यूज्ड नहीं होता, बल्कि पर्टिकुलर क्रॉप में बी बॉक्स रखने से और बीज द्वारा पर्टिकुलर क्रॉप का नेक्टर लेने से मिलता है। गाइज, मैं अपने आगे आने वाली वीडियोज में हनी के बारे में डीपली बताऊँगा, जैसे टाइप्स एंड फ्लेवर्स ऑफ हनी, प्योर हनी कैसे फाइंड करें और किस ब्रांड या फिर कहां से हनी परचेज करें, ये सब के बारे में मैं डीपली डिस्कस करूंगा। हनी को लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है उसके अपीयरेंस एंड प्राइसेस की वजह से। गाइस, हनी की सेल्फ लाइफ 25 साल से ज्यादा होती है। हनी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इट एक्ट एज एंटीसेप्टिक, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है और अमेजिंग बात तो ये है कि हनी से कैंसर और हार्ट डिजीज जैसे बड़ी बीमारियों का भी इलाज होता है और ठीक हो सकती है। बी वैक्स एक नेचुरल वैक्स है जो हमें हनीबीज द्वारा मिलता है, जो कि मधुमक्खियों के एब्डोमेन पार्ट में नीचे की तरफ 4 पेयर्स ऑफ वैक्स ग्लैंड से लिक्विड फॉर्म में निकलता है, बट एयर के कॉन्टेक्ट में आके वो सॉलिड हो जाता है। डू यू नो गाइज, 1 kg वैक्स प्रोड्यूस करने के लिए हनी बीज को अप्रोक्स 840 kg हनी कंज्यूम करना पड़ता है। हनी बीज बी वैक्स को अपने हाइव में हनी को लॉक करने के लिए और हनी को स्टोर करने के लिए प्रोड्यूस करती है। बी वैक्स ह्यूमन कंजप्शन के लिए सेफ कंसिडर किया गया है। इट इज अप्रूव्ड एज इंग्रेडिएंट इन ह्यूमन फूड इन USA। बी वैक्स मेनली यूज किया जाता है कैंडल्स, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड बी इंडस्ट्रीज में। कॉस्मेटिक्स में बी वैक्स का यूज लोशन, क्रीम, लिपस्टिक बनाने में यूज होता है। फार्मास्यूटिकल्स में ऑइंटमेंट, कैप्सूल, पिल्स, कोटिंग के लिए यूज होता है और डिओड्रेंट्स, फर्नीचर, च्युइंग गम्स में भी बी वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। पॉलन ग्रेन्स बहुत छोटे मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट के एंथर में फॉर्म होते हैं, विच इज ट्रांसफर्ड ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर बाय विंड, वाटर एनिमल, मोस्टली इंसेक्ट, जिसमें कि बीज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब बीज फ्लावर से नेक्टर ले रही होती है तो उनकी बॉडी पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं जिनकी वजह से पॉलन ग्रेन्स बीज की बॉडी पे चिपक जाते हैं, जिसके बाद बीज उन पॉलन को नेक्टर के साथ मिक्स करती है जिससे पॉलन ग्रेन्स एक साथ चिपके रहें और उसके बाद बीज उन पॉलन्स को अपने पॉलन बास्केट में स्टोर करती है और अपने हाइव में ले जाती है, जो कि बीज के बच्चों का खाना होता है, जिससे यंग वर्कर भी रॉयल जेली प्रोड्यूस कर सके। गाइस, रॉयल जेली के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में आगे बताऊंगा। बी पॉलन के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे इम्प्रूवमेंट इन एथलेटिक परफॉर्मेंस, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्किन वाइटेबिलिटी, हेमोग्लोबिन कंटेंट, ये सब इम्प्रूव करता है, एंड डिजीजेस लाइक कैंसर इन एनिमल्स, कोल्ड, एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर, नर्वस एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर एंड अल्सर जैसे बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। गाइस, ध्यान देने वाली बात ये है कि बीज पॉलन को हर कोई कंज्यूम नहीं कर सकता, जैसे प्रेग्नेंट लेडी और जिनकी बॉडी बी पॉलन्स को डाइजेस्ट नहीं करती हो। प्रोपोलिस मिक्सचर होता है वेरियस अमाउंट ऑफ बी वैक्स और रेजिन यानी राल का, जो कि मधुमक्खियों द्वारा कलेक्ट किया जाता है प्लांट्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड लीव बर्ड्स। बीज प्रोपोलिस को यूज करती है अपने हाइव को रिपेयर करने में, स्मॉल क्रैक्स को सील करने में एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने ब्रूड्स को यानी बच्चों को सील करने में।
ये जरूरी इसलिए है बिकॉज ये एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल होता है जो कि हाइव को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिजीजेस। प्रोपोलिस इज लोकल एनेस्थेटिक स्पेशली इन डेंटल मेडिसिन। प्रोपोलिस एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल होता है एंड बिलीव्ड टू क्योर बर्न, एक्सटर्नल अल्सर एंड एक्जिमा यानी खुजली और जलन भी ठीक करता है। गाइस, प्रोपोलिस हेयर फॉल भी डिक्रीज करने में हेल्प करता है। ये टैबलेट एज वेल एज लिक्विड फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है। बी वेनम यानी मधुमक्खियों का जहर जो कि मधुमक्खियों के पॉइजन सैक में होता है और मधुमक्खियों के स्टिंग से अटैच्ड होता है। बी वेनम कलरलेस एंड एसिडिक लिक्विड होता है बट इट ड्राइज क्विकली एट रूम टेम्परेचर 30-40 ऑफ द ओरिजिनल वेट। बी वेनम कंटेन्स बोथ एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स इंक्लूडिंग एंजाइम्स, शुगर्स, मिनरल्स एंड अमीनो एसिड्स। डू यू नो गाइस, बी स्टिंग यानी मधुमक्खियों के जहर से 60 से भी ज़्यादा बीमारियों का इलाज होता है जिनमें कि अर्थराइटिस, न्यूरोसिस, क्रोनिक पेन, माइग्रेन, ट्रॉपिक अल्सर, कैंसर, लिगामेंट इंजरीज, जर्नल इम्यून स्टिमुलेट, अस्थमा एक्सेट्रा, बहुत सारी अन्य बीमारियों का भी इलाज होता है। रॉयल जेली एक मिल्की व्हाइट सब्सटेंस होता है जो कि 6-12 डेज के वर्कर बी के हेड में हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ये रॉयल जेली रानी यानी क्वीन बी को थ्रू आउट लार्वा एट एडल्ट लाइफ फीड करवाने के काम आता है। रॉयल जेली इज यूज्ड एज मेडिसिन। रॉयल जेली से हे फेवर, लिवर डिजीज, स्लीप ट्रबल, स्टमक अल्सर, किडनी डिजीज, बोन फ्रैक्चर, स्किन डिसऑर्डर्स एंड हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बड़ी बीमारियों का इलाज होता है। रॉयल जेली इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है और हेयर फॉल को भी कम करने में हेल्प करता है। गाइस, ध्यान देने वाली बात यह है कि अस्थमा और एलर्जी वाले लोगों को रॉयल जेली यूज नहीं करना चाहिए। इट कुड कॉज सम सीरियस रिएक्शन। एक्सपर्ट्स के हिसाब से रॉयल जेली में सभी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि इंसान की बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। और गाइस, क्या आपको पता है रानी मधुमक्खी की लाइफ 62 टाइम्स ज़्यादा होती है वर्कर बीज से। वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला सो प्लीज शेयर दिस वीडियो। और अगर आप इस चैनल पे नए हो सो सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।